नांदेड़ शहर के देगलुनाका इलाके में इन दिनों गैर मिजाज कारोबार अपने उरूज पर है। शहर के देगलुनाका इलाके में जा बजा मटके, गुटके, जुए के अड्डे चलाए जा रहे हैं। इन गैर मिजाज कारोबार पर रोक लगाए जाने से मुतालिक एक मेमोरेंडम देगलुनाका इलाके के सोशल वर्कर सैयद मुस्तफ़ा और शेख बाबू शेख महबूब ने जिला SP व जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मुतालिबा किया। वाज़ेह हो कि मुल्क व जिले में लॉकडाउन लगने के सबब कई नौजवान अफराद बेरोजगारी का शिकार हो गए। कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे कई नौजवान अपने घरों से पैसा लाकर लॉटरी और मटके जुए खेलते नजर आते हैं। मुतालिका जिम्मेदार ने जिला SP व जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मुतालिबा किया कि वह देगलुनाका इलाके में चल रहे गैर कानूनी कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाए। पुलिस अधीक्षक साहब और माननीय जिला कलेक्टर साहब को निवेदन द्वारा ये बोलेगी भाई, कोरोना महामारी के काल में वबा व बीमारी केस में भयावह आर्थिक परिस्थिति रहने के बावजूद हमारे एरिया में अवैध धंधे जैसा मटका, गुटका, जुगार, शराब, ये वो हर तरीके के धंधे चालू है और वो सरास चालू है। इसके वजह से हमने दोनों IM अधिकारियों को निवेदन दिए और उनसे गुजारिश करें कि भाई हमारे एरिया में जो नांदेड़ ज़िले में देगलुनाका विभाग में जो अवैध धंधे चल रहे, जो आज तक जितना भी समझो ये कोरोना का चल रहा था उसमें जो 6 महीने से जो लोग 4 महीने 6 महीने से बेकार थे, उनके कामा धंधे नहीं थे और उसमें स्कूल भी बंद थे, कॉलेजेस भी बंद थे और जो नवयुवक है, तरुण जो बच्चे है, यंग बच्चे, उन्होंने भी बेकारी में क्या करे कि वो मटका गुटका अवैध धंधों में दोस्तों के साथ वो बैठते गए करते गए तो उसमें उनको लत लग गई। और जो गरीब लोग हैं मजदूरी करने वाले, उन्होंने भी 4-6 महीने से बेकार रहने के वजह से वो अवैध धंधे वालों ने उनको अपने जाले में खींचे। हमने ये निवेदन द्वारा उनको बोले कि भाई हमारे एरिया में जो ये चीज़ चल रही, आप अगर चाहे दोनों मिल के कार्रवाई करें तो ये हमारे एरिया का पूरा सब अच्छा हो जाएगा। हमारे एरिया में तकरीबन 30 से 40 पान टपरियों के सर के वो मटके के है, गुटके के भी है और तुम्हारे शराब भी बिक रही है, अभी तो लॉटरी भी है, कई अवैध धंधे है और ये अवैध धंधे को आड़ा बैठना, इसके लिए हमने यहाँ पे आकर निवेदन दिए। देगलुनाका परिषद में मटका और जुआ एकदम जोरों चढ़ रहा है, ये वजह से हमने SP साहब को और कलेक्टर साहब को निवेदन दिए। इसके बाद इसके बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करें, कम से कम 30 से 40 जगह पे पॉइंट बना लें, देगलुनाका पे 30 से 40 पॉइंट बना लें, हर पॉइंट पे कम से कम 15 से 20 लाख का मूल्य ढाल होता है। कलेक्टर साहब को निवेदन इसलिए दिए कि ये जल्द से जल्द बंद करें और जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। ये निवेदन देना है कि कलेक्टर साहब को, SP साहब को हम ये निवेदन दिए कि देगलुनाके हल्के में, वो हल्का आता है खुदे नगर चौरस्ता, यहाँ मटके, मटका, जुगार, ये जो चीज़ें चल रहे हैं इनको बंद करना। यहाँ के बच्चे और यहाँ के आवाम जो है बेरोज़गारी बढ़ जा रही और आते जाते जो घर में है बच्चियाँ, स्कूल है, आते जाते स्कूल को उनको छेड़छाड़ करते हैं बच्चियाँ, तो इस वजह से हमारा ये काम है कि हम जो दिए कि ये कार्रवाई होना।